आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके साथ एप्पल जैम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों का ये फेवरेट होता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दो बड़े एप्पल को धोकर उसको पील कर लिया था और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आपने इसकी सीड को रिमूव कर देना है। अब एक पैन लेंगे और उसमें ये चॉप किए हुए एप्पल डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं कि एप्पल का क्या हाल है। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे मैश कर लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी चंक ना रह जाए। इसका हमने स्मूथ पेस्ट बना लेना है, जैसा कि पैक जैम होता है बिल्कुल वैसा। इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाले जैम जैसा होता है। कोई भी इसका डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये घर पे बनाया है या फिर मार्केट से खरीदा है। ये अच्छे से मैश हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें एक बाउल शुगर का डाल देंगे। अब हम इसमें 1 पिंच ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। आप चाहो अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हो। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर ऐड करने के कारण ये थोड़ा सा वाटरी हो जाता है, तो हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से वाटर सूख ना जाए। इसे हमने लगातार चलाते रहना है जब तक कि अच्छे से थिक नहीं हो जाता। आप देख सकते हो कि ये बेस पे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और ये देखिए, ये थिक होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि ये एकदम से नहीं गिर रहा है, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए इसे और पका लेते हैं। तो चलिए हमारा ये देखिए जैम बनकर तैयार है। अब ये गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो चलिए मैं इसे आपको ब्रेड पे लगाकर दिखाती हूँ कि हमारा जैम कैसे बना है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसे जैम। इसे आप किसी भी ग्लास के जार में स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसे घर पे ही बना लिया। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो अब से हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए और मार्केट वाले जैम को कीजिए नो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।